अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक एंड टॉक। सो आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। सो दिस इज़ थर्ड पॉइंट इन ऊप। आज हम देखते हैं इनहेरिटेंस क्या है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और बेसिकली व्हाई वी शुड यूज़ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं हम, उसके बाद फिर हम अपने डिस्कशन आगे लेके चलते हैं। प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है 13 फोल्डर्स के अंदर, क्योंकि आज 13 लेक्चर है इनहेरिटेंस का। तो इसके अंदर हम एक क्लास ऐड कर लेते हैं। लेट मी ऐड न्यू आइटम एंड लेट मी सेलेक्ट क्लास। लेट्स नेम इट, लेट्स से इट्स अ एम्प्लॉय। ऑलराइट, और लेट्स से इट्स अ पर्सन। ओके, सो आई एम थिंकिंग व्हाई नॉट लेट्स स्टार्ट विद अ स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट सी एस। ठीक है, तो हम बेसिकली हमें स्टूडेंट, एक स्टूडेंट क्रिएट करना है। ठीक है, क्लास को हमने पब्लिक कर दिया और इसमें हमें पता कि स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या आ सकती हैं। एक सिस्टम के अंदर उसकी एक आईडी होगी, ठीक है, उसका नेम होगा, ठीक है, और पब्लिक इंट एज होगी। ठीक हो क्या? और हर स्टूडेंट की कोई ना कोई लेट्स से व्हाट वी कैन से क्लास होगी, लेट्स से इंट स्ट्रिंग ग्रेड, लेट्स से ग्रेड होगा। ठीक है, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई ग्रेड होगा, लेट से ए ग्रेड है, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ठीक है, और सेक्शन वी कैन ऑल्सो से, लेट से इट्स अ सेक्शन, लाइक वो ए सेक्शन में स्टडी कर रहा है, बी सेक्शन में। हमें पता है कि एक क्लास के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं नॉर्मली, तो लेट से उसका एक सेक्शन भी है। ठीक है, और एक स्कूल के अंदर हमें पता है कि स्टूडेंट पढ़ते हैं, साथ पे टीचर उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं, टीचर डॉट सी एस। ठीक हो गया, और हमें पता है कि सेम प्रॉपर्टीज होंगी टीचर की भी, पब्लिक इंट आईडी। ठीक हो गया, और उसका नेम होगा, और पब्लिक लेट से स्ट्रिंग, वट कैन बी दी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ए टीचर, लेट से उसकी सैलरी है। ठीक है, तो ये होगी हमारी फिर डबल में सैलरी। ठीक हो गया, तो ओके, अब अगर आप गौर से देखें सिस्टम को जिसमें स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, तो इन एंटिटीज़ के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हमको नज़र आ रहा है। ठीक है ना, और उससे भी पहले लेट्स से व्हाट आई कैन डू इज, इसका कोई एक मेथड बना लेते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, हर स्टूडेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे अपना। तो हम क्या कहते हैं, पब्लिक लेट्स से वॉइड इंट्रोड्यूस। ठीक है, और ये हर स्टूडेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। इंट्रोड्यूस कैसे करेगा कि लेट्स से वी हैव हाय, दिस इज नेम एंड माय एज इज एज। ठीक है, और सेम इंट्रोडक्शन हमें चाहिए एक टीचर के केस में भी। ठीक
ठीक है, टीचर जब भी क्लास में आता है तो कोई ना कोई हमें इंट्रोडक्शन देता है। उप्स, लेट मी क्विकली कॉपी दिस वन फ्रॉम हियर, कॉपी एंड लेट्स डुप्लीकेट। ठीक है, ओके, एंड माय सैलरी इज, वैसे तो कोई टीचर इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करता कि माय सैलरी इज दिस वन, बट एक एग्जांपल के लिए हम कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने सिस्टम की एंटिटीज़ को इस टाइम पे देखें, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं सिस्टम में, स्टूडेंट और टीचर, इनमें हम अगर हम गौर करेंगे तो हमें डुप्लीकेशन नज़र आ रही है। ठीक है, आईडी की फील्ड डुप्लीकेट हो रही है, नेम डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, और भी इस तरह, ये तो एक एग्जांपल है, और इस तरह देर कुड बी मैनी फील्ड्स जो कि और प्रॉपर्टीज़ जो कि डुप्लीकेट हो रही होंगी। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, कॉमन जो प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स हैं उसको एक सेपरेट क्लास में ले जाते हैं और दूसरी क्लासेस को उससे इनहेरिट कर देते हैं। ठीक है, लेट से एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, तो हम एक क्लास बनाएंगे क्योंकि दोनों पर्सन हैं। ठीक है, तो हम एक पर्सन की क्लास बना लेंगे और ये प्रॉपर्टीज़ हम पर्सन में ले जाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के मूव, प्रॉपर्टीज़ मूव करने से पहले, इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करने से पहले, हम अपने प्रोग्राम सी एस में वो ऑब्जेक्ट्स बना के उनकी आउटपुट चेक कर लेते हैं, सो दैट वी कैन कंपेयर आफ्टर दी एप्लीकेशन ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो टीचर इज इक्वल टू न्यू टीचर, सेम गोज फॉर स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक हो क्या, और हम यहाँ भी कर लेते हैं टीचर डॉट इंट्रोड्यूस। ठीक है, टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दे और साथ में ही स्टूडेंट भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दे। अभी तक गौर कीजिएगा, अभी तक इनहेरिटेंस हमने इम्प्लीमेंट नहीं की, और अगर हम इसकी आउटपुट देखें, लेट मी क्विकली मार्क ए स्टार्टअप प्रोजेक्ट और इसको मैं रन कर देता हूँ, इसकी हम आउटपुट देखेंगे। ठीक है, और उसको नोट डाउन करेंगे और फिर इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, सो दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग, माय सैलरी इज दिस वन, असल में हमने वैल्यू सेट नहीं की ना। ठीक है, तो वैल्यू सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टीचर डॉट सैलरी इज इक्वल टू, लेट से कि ये जो टीचर हैं वो 50,000 की सैलरी ले रहे हैं। ठीक हो गया, और टीचर डॉट नेम इज, लेट से हिज नेम इज अली। ठीक है, सेम गोज फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट नेम इज उमर, स्टूडेंट डॉट एज इज, लेट्स से हिज एज इज 22। ठीक हो गया, लेट्स क्विकली रन दिस एप्लीकेशन एंड नाउ सी द रिजल्ट्स। सो हाय, दिस इज अली एंड माय सैलरी इज दिस, हाय दिस इज उमर एंड माय एज इज 22। ठीक हो गया, दो ऑब्जेक्ट्स बन गए और हमने उनको इंट्रोड्यूस करके चेक कर लिया कि उनकी उनकी प्रॉपर्टीज़ की क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दोबारा से इनहेरिटेंस के ऊपर और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास इस, लेट मी क्विकली जस्ट मूव दिस वन समवेयर कि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। ठीक हो गया, अच्छा अगर अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे गौर करें ना, देखें ये आईडी मैच कर रही है, नेम मैच कर रहा है एटलीस्ट। ठीक है, तो हम इन दोनों फील्ड्स को उठा के एक कॉमन ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं और उसको इस इन दोनों क्लासेस से को उससे इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जहाँ हमारे पास चार लाइनें कंज्यूम हो रही हैं कोड के अंदर, वहाँ हमारे पास दो लाइनें कंज्यूम होंगी। ठीक है, सिर्फ ये एक बेनिफिट है, दूसरा हमारा कोड ज़्यादा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैसे वो हम करके देख लेते हैं। लेट मी क्विकली कॉपी दीज
two properties and move this one to person. ठीक है, आई एम रिमूविंग एक्स्ट्रा यूजिंग्स. ठीक हो गया. और अगेन स्टूडेंट के अंदर से ये दोनों हमने ख़त्म कर दी और टीचर के अंदर से ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने ख़त्म कर दी. ठीक है, और इसको इनहेरिट कर लिया हमने पर्सन से. ठीक हो गया. ठीक है, तो अब देखें अगर हम इनहेरिट नहीं करते तो क्या हो रहा था, हमें एरर आ रहा था. ठीक है, कि नेम के ऊपर एरर आ रहा है. ठीक है, कि नेम कहाँ से आ रहा है. बेसिकली जब हमने इसको इनहेरिट कर दिया पर्सन से तो नेम बेसिकली इसकी पेरेंट क्लास से आ रहा है. ठीक है, एरर इज कौन. सेम गोज़ फॉर स्टूडेंट, लेट्स इनहेरिट स्टूडेंट फ्रॉम पर्सन. ठीक हो गया, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ. और अगर अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे देन आउटपुट विल बी द सेम. ठीक है, बेसिकली अगर आप देखें तो आउटपुट सेम है और यही इनहेरिटेंस है. डुप्लीकेशन कोड में ख़त्म हो गई, कोड ज़्यादा मैनेज हो गया और रीयूजेबल हो गया. ठीक हो गया, और आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ठीक है, ये हमारी बेसिकली इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है. ठीक है, पुट योर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड मेथड इन ए पेरेंट क्लास. ठीक है, और उससे इनहेरिट करें अपनी एंटिटीज़ को. ठीक है, ताकि कोड के अंदर डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाए. ठीक हो गया, और अगर हम अपने प्रोग्राम को भी देखें तो बेसिकली हम इसको भी ना थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं. वो कैसे, वी कैन यूज़ दिस वे. ठीक है, टू इनिशियलाइज आवर प्रॉपर्टीज़, दिस इज़ मच क्लीनर वे. ठीक हो गया, और इसमें हम बेसिकली ये इस तरह से इनिशियलाइज करवाते होते हैं. ठीक हो गया, एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने इनिशियलाइज कर ली. एंड सेम गोज़ फॉर, अभी कुछ कुछ कोड इम्प्रूवमेंट्स की चीज़ें हैं, कोड के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ये वो वाली चीज़ें हैं. ठीक है, और ये भी हम एक श्योर करेंगे कि हम साथ साथ इनको भी फॉलो करें. ठीक हो गया, नाउ एवरीथिंग इज फाइन एंड ओके, नाउ इट लुक्स गुड. ठीक हो गया, अगेन इसको रन करके देख लेते हैं, आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए. ऑलराइट, यू कैन हैव सीन दैट. ओके, व्हाई इट्स सेइंग दैट. ओके, लेट मी क्विकली रिमूव दिस वन. ठीक हो गया, तो आउटपुट स्टिल सेम है. ठीक है, आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अच्छा, अगर अब आप गौर करें ना, अगर आपने विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल किया हुआ है और आपके पास एटलीस्ट .NET 6 फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है, तो बेसिकली बहुत सी और सजेशंस भी आ रही होंगी विजुअल स्टूडियो में. एक सजेशन ये है कि ये हमें जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, अब ये एडवांस चीज़ है. ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इस लेफ़्ट साइड पर हमने प्रॉपर टाइप दी हुई है, तो हमें न्यू के बाद राइट साइड पे वही टाइप दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, वी कैन डू दिस वे. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसको पता है, कंपाइलर को पता है किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है. ठीक है, तो ये कोर पॉइंट है कोड की. रिफैक्टरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोड और थोड़ा सा क्लीन हो जाता है इससे. ठीक है, वी कैन जस्ट इनिशियलाइज बाई यूजिंग न्यू, बिकॉज टाइप हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है. ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें थी जिनको हम नज़र में रख सकते हैं कोड करते वक्त. ठीक हो गया, तो ये आज का टॉपिक था इनहेरिटेंस. कॉमन चीज़ें बेस क्लास में ले जाएंगे, कॉमन प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बेस क्लास में चले जाएंगे, उसको उससे इनहेरिट करेंगे हम अपनी ड्राइव्ड क्लासेस, और इस तरह से कोड की डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी, कोड ज़्यादा मैनेज हो जाएगा और आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दैट वॉज ऑल फ्रॉम इनहेरिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चन ऑन द इन द कॉमेंट्स. आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन द कॉमेंट्स. स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे, बाय.